बनाने जा रही हूँ चॉकलेट टिक्किया, इसके लिए मैंने ये चने की दाल भिगो ली है। पानी में से मैंने निकाल ली है। मैंने लिए हैं एक कटोरी मटर, हरे वाले ताजे मटर हैं। आलू मैंने उबालने रख दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बारिश आज फिर हो रही है। ओ आंटी ने खिड़की बंद कर ली। देखिए बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश है। ये देखिए काफी तेज बारिश है। बारिश हो कुछ हो ठंडी हो, ये मेरी एक्टिवा खड़ी है, बारिश में भीग रही है। ये हमारा मंदिर है सामने, बिल्कुल एक घर छोड़ के मंदिर है। ये पंडित जी सामने खड़े हैं, वो भी बारिश का नज़ारा देख रहे हैं। नहीं बात सूखा, अच्छा 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 हाँ हाँ ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लड़का है ना, ये थोड़ा मेंटली रिटायर्ड है और थोड़ा बहुत काम कर लेता है दिहाड़ी वगैरह का। ये बेचारा बता रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। दुनिया में देखिए कितना दुख है, कितना गम है। हमें अपना गम सबसे ज्यादा लगता है, हम ज्यादा दुखी हैं, हम ही ज्यादा तकलीफ में हैं। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने चाय बना ली है मेरे लिए। हम दोनों बोल रहे थे कि चाय कौन बनाए। ये मेरी चाय है थोड़ी वाली। हम दोनों झगड़ा कर रहे थे कि चाय कौन बनाए, फिर इन्हीं को बनानी पड़ी। देखिए फिर से चाय छुप रहे हैं। देखिए कह रहे मुझे मत लो कैमरे में। बारिश हो गई तो लाने पड़े छत से फटाफट जाके। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की टिक्की। ये देखिए आलू मैंने मैश कर लिए हैं। मटर लहसुन जीरा मैंने ऐड कर दिया था।
हरी मिर्च इसमें ऐड कर दिया, मसाले सारे इसमें। अब इसमें ये हमने जो फिलिंग तैयार की है ना हरे मटर की और चने की दाल की, ये टिक्की में हम फिलिंग करेंगे, इसको भरेंगे टिक्की में ना भरेंगे। चाट मसाला भी बहुत पड़ेगा ऊपर से, ये हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया। चटपटे हो जाए टिक्की, पकड़ लो। ये हमने बनाई हरी चटनी, पुदीना धनिया और हरी मिर्च, इसमें दो चम्मच डाले मैंने दही और थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक डाला था मैंने, थोड़ा सा इसमें मैंने अमचूर पाउडर भी डाला था। ये देखिए ग्रीन चटनी, ये यहाँ है मेरी लाल चटनी, ये देखिए ये जो ड्राई फ्रूट निकल, ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी मीठी चटनी लाल वाली। इसकी रेसिपी तो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ना चटनी की। हाँ जी नहीं नहीं खा लेंगे, गुआंढियों ने भी लानी है। अब मैं बेटा दूध रखे है गर्म करके, देखिए इसमें नमक ऐड कर दिया आलू में, मिर्च भी पानी थोड़ी सी थोड़ी पालो केवर मिर्च। इसमें हम ऐड कर रहे हैं आरा रोट बाइंड करने के लिए, पहले यार नीचे बिछा लो कुछ, अनु पापा नु जो परात नीचे रख देना आटा गुन्नन वाला वो दे। नहीं तो अखबार दे कोई ले लूंगा यार, तू जाके ले कर दी आप ये लो अखबार।
कागज सो भी है लिया, हमने इसमें चटनी में ऐड कर लिया कागज। मुझे ना ये वाली चटनी बहुत पसंद है, जो टोमेटो सॉस हम लेके आते हैं ना वो नहीं इतनी मुझे अच्छी लगती, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए मेरे नाखून बड़े बड़े ना ऐसे टूटे। ये चटनी ना बहुत टेस्टी लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा इमली की चटनी, मुंह में पानी आ जाता है चटनी से। हाँ जी लगी बात, ऐसे जे देखिए इसमें डाल दी हमने टिक्की, फ्रेंड्स जब ये कितने दिन घर पे नहीं आते ना तो हम इनसे इसीलिए ये बनवाते हैं, ये नहीं ये इनकी पनिशमेंट होती है, जो हफ्ता हफ्ता ये घर पे नहीं ना आते फिर बच्चों की डिमांड होती है कि पापा कुछ बना के दें, पलटा लो ये तो मक्की रोटी बना।
डालती मैंने चटनी बनी है मुझे बताइएगा। ये देखिए इसमें मूलिया कद्दूकस किए हैं, बारीक बारीक प्याज काटा है, ये ग्रीन चटनी और ये लाल चटनी वाली। ये तनु पकड़ बेटा, ये मैं अपने बेटे को दे दूँगी।
साथ ये खाना कितना अच्छा लगता है ना। ये घर पे नहीं रहते ना, इसीलिए हमें भी हम कुछ बनाए तो हमें मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। ये चले जाते हैं, भाग जाते हैं घर से। कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा।